हाय, टुडे इज़ 23 ऑफ जून 2020, 22nd ऑफ जून के क्विज के आंसर्स हैं फर्स्ट आर के शानमुखम छेट्टी इन्होंने पहला बजट इंटरिम इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किया था 26th ऑफ नवंबर 1947। सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें फर्स्ट सेकंड, थर्ड ये तीनों करेक्ट हैं तो द राइट आंसर इज़ 1 2 एंड 3

देन लास्ट वन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपके पास एक सर्टेन ऑप्शनज हैं आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो जो बाकी ऑल्टरनेटिवज़ हैं दैट आर फॉर गॉन सो इट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज़ फॉर गॉन तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आज ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी है आज की ये वोकेबलरी है टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स फर्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट इंडिया चाइना एल एस सी इंडिया चाइना एल में अभी नए क्या डेवलपमेंट है विल हैव अ लुक आर की भी हम बात करेंगे सेकेंड इज़ अबाउट कोविड 19 अपडेट्स इसमें रिसेंटली क्या अपडेट्स हैं सी बी एस ई ओपन बुक एग्जामिनेशन फ्यूवर टेस्ट एंड ऑल थर्ड इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर फाइनर डिटेलिंग ये जो पार्लियामेंट है इंडिया का इसका एक नया बिल्डिंग बनाने का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ये पूरा है इस दिस सेंट्रल विस्टा रिवैम का एक पार्ट है इसमें अभी थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है वापस फाइन डिटेल्स यहाँ पे मांगे हैं विल हैव अ लुक सांसद भवन और ये लुटियंस दिल्ली भी हम समझने का कोशिश करेंगे देन फोर्थ इज अबाउट पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इसमें कंडीशनल नोट दे दिया है कोर्ट ने यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐसे यहाँ पे ट्वीट भी किया है विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ इज अबाउट विजिलेंस पैरामाउंट कोविड 19 का थ्रेट अभी ओवर हुआ नहीं है सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी मोर एंड मोर अलर्ट सिक्सथ है वे आउट ऑफ अनडिलिनेटेड बॉर्डर इंडिया के अभी रिसेंटली इशूज़ हमने देखे थे दिस बॉर्डर ट्रबल विद नेपाल एंड देन दिस एल एसी इशू विद चाइना इस पूरे में एक बहुत अच्छा यहाँ पे सेंसिबल आर्टिकल है कि वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रीटीज़ और हमें डीलिमिटेशन करने की क्यों ज़रूरत है और हम यहाँ पे एक वाइट पेपर भी ला सकते हैं सेवेंथ इज अबाउट प्रमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन कॉम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन एट्थ इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस पी एम केयर फंड्स में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो यहाँ पर एक क्लीन बाहर आए और ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर विदहोल्ड करे स्टैंड करे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नाइन्थ इज अबाउट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन दिस आई टी आरोग्य सेतु ऐप पर बात होगी टेंथ में हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे बिग स्क्रीन टूरिज्म सेक्टर और एक्सपोर्ट जनरेटेड फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल क्या यहाँ पे नए इनोवेशन कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण जी आई टैक्स भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड न्यूज़ में ब्राज़ील यूरोप चाइना साउथ कोरिया जापान टोक्यो बीजिंग बिजनेस में एक्सपोर्ट इम्प्रूविंग ई चौपाल फोर ये आई का ट्वेंटी एथ ईयर ये अभी ई चौपाल फोर पॉइंट ओ इन्होंने अभी लॉन्च किया है हम इसको समझेंगे ये वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड एवरीबडी देन 13th इज़ अबाउट exotic मका स्मगलिंग ये ऐसे यहाँ पे इनका स्मगलिंग है हम इसको भी समझेंगे सी आई टी ई एस विल गेट टू नो में ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून इंटरनेशनल Day डे यू एन then एंड देन फाइनली विल हैव दिस केमिस्ट्री क्विज़ सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नैक्स्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स और उसके पहले ये हैं आज के वोकेबुलरी वर्ड्स पहला है कंटेंशियस कंटेंशियस का मतलब होता है वो कॉन्ट्रोवर्सियल है वो डिबेटेबल है मेनूवर मेनूवर मतलब स्किल्ड मूवमेंट आगे हो रहा है मेनूवर हो रहा है डिप्लोमेसी में ये मेनूवर वर्ड काफ़ी यूज़ होता है डिप्लोमेटिक मेनूवरिंग होती है जब रिलेशनस अगर नोज डाइव हो रहे हो तो सिंडिकेट सिंडिकेट मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो उस पूरे फील्ड की चीज़ों को हैंडल कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड सिंडिकेट कोर्जिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को फोर्सफुली थ्रेट के थ्रू कराना दैट इज़ कॉल्ड कोर्जिव एक्शन पैरामाउंट पैरामाउंट का मतलब वो टॉप मोस्ट है सुप्रीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है देन एनी एल्स फोर्थ नाइट वर्ड यूज़ करते हैं अपन फोर्टीन डेज के लिए फोर्ट नाइट टू वीक्स एप्रीहेंशंस एप्रीहेंशंस का मतलब है एनजाइटी है अलामिंग है एंग्ज है तो आपको एप्रीहेंशंस है फॉर एग्जांपल सर्टेन जैसे एल में जो फेस ऑफ हुआ तो एप्रीहेंशंस बिटवीन दीज टू दीज इंडिया एंड चाइना टू कंट्रीज़ राइज हो गए अप्रीहेंशंस है स्टिप्युलेट स्टिपुलेट का मतलब होता है स्पेसिफाई करना सेट आउट करना बिहाइंड द क्लोक बिहाइंड द क्लोक मतलब हिडियस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है नॉन ट्रांसपेरेंट वे में वहाँ पर वर्क हो रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड बिहाइंड द क्लोक देन कोरोबोरेटेड का मतलब है कंफर्म करना वेरीफाई करना वैलिडिटी करना अभी हम जिस एज में रह रहे हैं आईटी डिजिटल एज में यहाँ इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज है सो दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल हमेशा चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए ऐसा एक सेइंग भी होता है सुनी हुई बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं उसको भी आधा ही सच मानना चाहिए ऑलवेज़ वेरीफाई कन्फर्म करें वैलिडिटी उसकी चेक करें देन दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में पहला जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट इंडिया चाइना एल अभी क्या हुआ अमिट मिलिट्री टॉक्स चल रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बिल्डअप है पेंगोंग लेक में अभी भी टेंशनस हैं मिलिट्री टॉक्स रिपोर्ट्स कि चाइना ने वहाँ पे बिल्डअप कर लिया है पेंगोंग इन ईस्टर्न लद्दाख में कोर कमांडर की जो मीटिंग है वो मोल्डो में हुआ लेक एरिया रिमेन्स मोस्ट कंटेंशियस इशू यहाँ जून 6 को म्यूचुअली आइडेंटिफाइड फाइव लोकेशंस कॉन्फ्लिक्ट हमने किया था दैट इज़ पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 ने नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगसो और चुशुल ये हमने म्यूचुअली आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है अभी अब इन सारे एरिया में रिजॉल्व करना है इशू थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी चैनल मैनूवरिंग होनी यह चाहिए यहाँ पे इंडिया टू अटेंड ट्रायलेटरल मीट विथ चाइना मीन हमारे जो फॉरन मिनिस्टर हैं ये अभी जाएंगे ट्रायलेटरल मीट में अटेंड करने के लिए रशिया इंडिया चाइना आर आई सी का बट यहाँ भी अभी ये क्लैरिफाई किया है ऑल दो मॉस्को काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है टू सॉल्व दीज इशू बायोलेट्रल इशू बट नो बायोलेट्रल इशू वुड बी डिस्कस्ड. ये आर आई सी को अगेन हम एक फॉलोअप लेंगे इन अपकमिंग डेज दैन दिस इज कोविड इन नाइनटीन कोविड नाइन्टीन के नंबर्स बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रहे हैं बट अभी फॉर पास्ट वन और टू डे टेस्ट काफ़ी कम हुए टेस्ट अगर कम होंगे तो ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया टेस्ट में अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो रिजल्ट पता नहीं चलेंगे तो लेसर न्यू केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं मीन सीबीएसई ने अभी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव मांगा है कि जो बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन के पेंडिंग पेपर हैं उसको हम कैसे कंप्लीट कराएं यहाँ डीयू की बात है ओपन बुक एग्जामिनेशन का अभी था ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे को वी टॉक्ड अबाउट दिस यू रोट वेरी गुड आंसर कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमने डीयू का डेटा भी पढ़ा था एक रेफरेंडम हुआ था वहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में अपनी बुक और नोटबुक को कंसल्ट कर सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जैसे यहाँ पे भी जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको लिखने के लिए ये ओपन बुक है आप इसको अपने तरफ से आर एंड डी करो प्रिपेयर करो अपना थाट प्रोसेस दो अपनी क्रिएटिविटी एड करो देन यू राइट दिस आंसर सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इससे क्या होता है एप्लीकेशन स्किल्स होती है रट्टाफिकेशन नहीं होता है यहाँ पर आपको कुछ मग अप नहीं करना है लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है अगर किसी क्वेश्चन को आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो ट्रस्ट दिस प्रोसेस ये आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा इससे स्किल्स डेवलप होती है क्रिएटिव थिंकिंग आती है ये कॉमन प्रैक्टिस है लॉ एग्जामिनेशन में भी डिसएडवांटेज क्या है इससे टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाती इक्वालिटी नहीं है प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यह बोला कि ये प्रोसेस अभी इवॉल्व प्रॉपरली हुआ नहीं है अभी डिजिटल डिवाइड भी है सो दैट इज़ वाई हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट कॉशन्स अगेंस्ट सेल्फ मेडिकेशन देन यहाँ आगे है गवर्नमेंट ने बोला है अभी कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में क्या हो रहा है काफ़ी लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं खुद से डिस खुद से आइडेंटिफाई करते हैं मेडिसिन ले लेते हैं विच कुड बी हार्मफुल ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर इफ सिम्टम्स अराइजेज तो ये हैं कोविड नाइन्टीन की अपडेट्स अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिस इज़ अबाउट पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर देयर फाइनर डिटेलिंग ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2022 तक ये हमारी अभी की पार्लियामेंट है एक नया बिल्डिंग बन जाए 2022 के इंडिपेंडेंस डे तक गवर्नमेंट चाहती है एक नया बिल्डिंग बने एक नया पार्लियामेंट बने ये जो पूरा पार्ट है ये हो रहा है यहाँ पे सेंट्रल विस्टा रिवम्प ये सेंट्रल विस्टा रिवम्प है ये राष्ट्रपति भवन है नॉर्थ साउथ ब्लॉक है और ये है हमारा दिस इंडिया गेट और ये पूरा होता है राजपथ यहाँ बहुत सारा एरिया खाली है तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है ये जितने बिल्डिंग्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हुआ पार्लियामेंट हुआ एंड एवरी इस पूरे सेंट्रल विस्टा को हम रिवम्प करते हैं नया बनाते हैं ये मोन्यूमेंटल हरी भी कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने इसे बोला है बिकॉज ये जो एरिया है दैट इज़ रिज़र्व फॉर पब्लिक और इससे ये रिजर्व जो एरिया लॉस होगा वो रिक्रिएशनल एरिया लॉस होगा पब्लिक का तो यहाँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ऑल पहले हमें थोरोली करना चाहिए देन ओनली वी शुड मूव फॉरवर्ड हमें रश्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये जो पूरी बिल्डिंग्स है ना जैसे 1912, 1913 इससे पहले दिल्ली कैपिटल नहीं था इंडिया का कैपिटल कोलकाता में था कैपिटल शिफ्ट हुआ दिल्ली में तो दिल्ली में ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने सांसद भवन का प्लान रेडी हुआ यहाँ दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे इनका बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बिल्डिंग्स बनाने में एक है एडविन लुटियन और हर्बर्ट बैकर तभी हम दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं इन्होंने डिज़ाइन की है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स लॉर्ड इरविन 1927 में इसका फिर यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था तो सी दिस इज़ अप्रोचिंग अभी 2020 हो गए हैं तो ये बिल्डिंग देर इज़ नो डाउट बिल्डिंग पुरानी हो गई है इसमें ऑल दो अपग्रेड्स किए हैं हमने बट अब हम बेटर बिल्डिंग्स बना सकते हैं बट जो होल आइडिया है वो ये है इट शुड नॉट बी रश्ड ये रश्ड नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए थॉरली प्लानिंग के साथ इसे आगे बढ़ना चाहिए ना एक राज्यसभा टीवी की बहुत अच्छी सीरीज़ है टॉकिंग हिस्ट्री इफ यू गेट टाइम यूट्यूब में आर एस टी वी पर जाइएगा और वहाँ पर ये प्ले लिस्ट में देखिएगा टॉकिंग हिस्ट्री इसमें बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं लुटियंस दिल्ली दिल्ली में कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ एंड ऑल वेरी वेरी गुड टॉकिंग हिस्ट्री में हैव अ लुक प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन लुटियंस दिल्ली इसकी बिल्डिंग्स इसमें कितने आर्किटेक्चर बने ये एक पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे इस पूरे इकोसिस्टम को समझिए लुटियंस दिल्ली और ये सेंट्रल विस्टा रिवैम्प से इसके हमें कनेक्ट भी करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड ऑल ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इसमें ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट इनसे हंड्रेड वर्ड्स अब ये एक ओपन एंडेड चीज़ है सो दैट इज़ वाई आई डो नॉट राइट द नेम अगर लुटियंस दिल्ली देखना है तो अगर आपको से ये प्रश्न आया हिस्ट्री में पेपर वन में आया तो लुटियंस दिल्ली में आप क्या लिखोगे इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखोगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें आप लिखोगे बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ऑल लिख सकते हैं है, है ना तो इसका परस्पेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा अगर ये गवर्नेंस से रिलेटेड आएगा तो फिर पेपर टू में अगर इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ आज नाउ यू विल बी राइटिंग अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशंसी कैसे कम हो जाती है अगर स्कैटर्ड होते हैं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिफरेंट है पार्लियामेंट यहाँ पर है नॉर्थ साउथ ब्लॉक इधर हो रहे हैं तो व्हाई वी नीड सच टाइप ऑफ थिंग्स सो इसमें फिर हम दिस फाइनेंशियल एंड ऑल चीज़ें भी देख सकते हैं अगर ये पेपर थ्री में आता है तो यू वुड बी सीन बिकॉज ये अरावली का यहाँ पर ब्लॉक आता है तो इससे एनवायरमेंटल डैमेज क्या होगा इतने सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिस फॉरेस्ट एंड ऑल यहाँ पर देर कुड भी चैलेंजेस तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी होगा तो परस्पेक्टिव चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन की विच पेपर यू आर एड्रेसिंग नाउ नाउ दिस इज़ एन ओपन वन प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन लुटियंस दैली अब इसमें आप तीनों को चाहो तो क्लब कर सकते हो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ओके देन दिस इज अबाउट पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा गेट कंडीशनल नोड इसमें भी एक अगर जगन्नाथ यात्रा का देखें तो इसमें हिस्टोरिकल एंगल भी है देन इसमें हिस्ट्री एज़ वेल एज सोसाइटी भी है प्लस अभी कोविड नाइन्टीन आ रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग भी आ जाएगा यहाँ पे देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स पूरी यात्रा है पूरी ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा है अहमदाबाद में कोविड नाइन्टीन के हेल्थ थ्रेट के कारण ये दोनों अभी कोर्ट ने स्टे कर दिया था बट कोर्ट ने अभी कंडीशनल नोट फेरी इन्हें प्रोवाइड करा दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा में प्रभु जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को बधाई कामना करता हूं कि कोविड 19 का सामना करने के लिए हमें साहस व संकल्प शक्ति प्रदान करें हमारे जीवन में स्वास्थ्य और आनंद का संचार करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ट्वीट किया है अब ये रथ यात्रा है क्या रथ मतलब होता है चैरियट तो ये होता है चैरियट फेस्टिवल रथ है ये इसमें लॉर्ड जगन्नाथ हेलडेडपुरी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा होता है रथ यात्रा में डीटीज़ हैं ये लॉर्ड जगन्नाथ इनके एल्डर ब्रदर बल बालभद्र और यंगर सिस्टर देवी सुभद्रा है यहाँ पे अलोंग विद सुदर्शन आर टेकन आउट इन प्रोसेशन निकलता है इनका ऐसे प्रोसेशन निकलता है यहाँ पे और जगन्नाथ टेंपल फिर ये उसमें रथ में रखते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस टेम्पल तो दिस इज़ कॉल्ड दिस रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ हैं बालभद्र जी हैं और सुभद्रा जी है, है यहाँ पे तो दिस इज चैरियट अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे कोविड नाइन्टीन का थ्रेड भी है तो कोर्ट ने गाइडलाइंस ये दिया है कि बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पीपल ही अलाउ होंगे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, करने दिया जाएगा एवरीबडी को रिचुअल टेम्पल्स और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पल और गवर्नमेंट की होगी तो दिस इज़ अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा कंडीशनल नोड है यहाँ पे देन दिस इज़ पेज नंबर टू ये पेज नंबर थ्री है ये फ्लड न्यूज़ है कल हमने एन का फाइनल चैप्टर देखा एलेवन ज्योग्राफी डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स देखे ट्वेंटी ट्वेंटी में ये सारे डिज़ास्टर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं देन दिस इज़ पेज नंबर फोर ये पेज नंबर फाइव है टेकिंग द प्लंज एंड देन दिस इज़ एडिटोरियल विजिलेंस पैरा माउंट होता है पैरामाउंट मतलब सुप्रीम होता है स्टेट्स हैव टेकल द वायरस डिफरेंटली हर स्टेट का अप्रोच डिफरेंट रहा है महाराष्ट्र ने अलग तरीके से किया तमिलनाडु दिल्ली गुजरात एम पी सबका अप्रोच डिफरेंट रहा है स्टेट्स ने डिफरेंट किया है बट जो बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हम एक दूसरे से सीख सकते हैं दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड जून ट्वेंटी वन में जैसे अभी जो डेट है हमारे यहाँ मोरटैलिटी फिगर काफ़ी कम है मोर्टेलिटी फिगर मतलब नंबर ऑफ केसेस हुए कोविड 19 के बट डेथ कम हुआ इसका रीज़न क्या है कि लो मीडियन एज है यूजुअली इंडिया काफ़ी यंग कंट्री है 27 सेवन हमारा मीडियन एज है तो यंग है मतलब इम्यूनिटी ज़्यादा है तो हमारे यहाँ डेथ कम हुआ है रिलेटिवली स्टेज ऑफ पैंडमिक इन इंडिया जो अभी है अभी भी इंडिया का पीक नहीं आया है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए और हेल्थ केयर सिस्टम को भी हाई प्रिवेलेंस हाई रिस्क फैक्टर्स हैं यंगर पीपल में बट वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं तो वी शुड नॉट पुट द गार्ड्स डाउन इनको गार्ड्स डाउन नहीं करना है एंड वी नीड टू बी विजिलेंस पैरामाउंट है टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन ट्रीटमेंट द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स इज़ नॉट हाइडिंग दैम किसी भी चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है ना यू शुड नॉट हाइड दैट ओके इससे क्या होता है चीज़ें बेटर हो जाती है सम ऑफ यू मैसेज कि यू आर नॉट राइटिंग द आंसर बिकॉज यू थिंक यू वुड मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स तो दैट वुड नॉट हेल्प मिस्टेक्स करना इट्स नॉट रॉन्ग मैनी टाइम्स आई मेक अ मिस्टेक और फिर मैं उसको फिर एडिट भी कर लेता हूँ करेक्ट कर लेता हूँ तो डोंट डू नॉट गेट वर इससे डरना नहीं चाहिए जस्ट डू इट ओके राइट आंसर गलती हो रही है कोई बात नहीं उसको हम फिर इम्प्रूव कर लेंगे बट अगर परफॉर्म ही नहीं करेंगे ट्राई ही नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स इज़ नॉट हाइडिंग दैम एक्सेप्टेड टेस्ट करें और फिर उसको हम इम्प्रूव करें द क्लासिक एग्जाम्पल इज धारावी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से इसको इन्होंने टेकल किया है टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन ट्विटर में अगेन एक बहुत अच्छा इसका आर्टिकल आया है वो आई हैव ट्वीटेड दैट हैव अ लुक उसमें टेन बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं टू डील विद दिस कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन विजिलेंस पैरा माउंट है देन दिस इज अगेन दिस इज अबाउट यू एस ए दिस आर्टिकल विल टॉक अ वे आउट ऑफ अनडिलीनेटेड बॉर्डर अनडिलीनेटेड बॉर्डर ये जो बॉर्डर है डी मार्केटेड नहीं है प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है तो इससे क्या होता है चैलेंजेस आ जाते हैं गलवान का जो फेस ऑफ हुआ अभी शुड फोकस माइंड ऑन रिजॉल्विंग हमें रिजॉल्व करने पे फोकस है नॉट मैनेजिंग पे नहीं डिफरेंट परसेप्शंस हैं जो नॉर्दर्न बॉर्डर में रिलाइंस फर्स्ट ऑन समाधान शुड बी अवर प्राइट क्राइटेरिया प्रायोरिटी हमें समाधान पर देना है जैसा कि कौटल्या ने सजेस्ट किया था समाधान सोल्यूशन निकालना है नींदिया नेपाल इंडिया चाइना टेंशनस बढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पर सजेसन है कि वाई नॉट वी ब्रिंग अ वाइट पेपर और ये जितने भी मिसऐप्रीहेंशन हैं इसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करें ये नेपाल का अभी नया मैप इन्होंने प्रजेंट किया था हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा इन लास्ट वन वीक लिपियाधूरा लिपू लेक और कालापानी ये एक नया एरिया नेपाल ने अब खुद अपने जगह अपने स्टेट में क्लेम करने लग गया है अदरवाइज़ यूजुअली ये इंडिया के पास रहा है नेपाल के नए वर्जन में सी ये एरिया इन्होंने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर इस पर इंडिया ने बोला दिस इज़ नॉट टेनेबल इसका हम ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे से कॉन्टीन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये एटीन सिक्सटीन की सगोली ट्रिटी हुआ फिर कालापानी बाउंड्री एरिया हुआ ये जो रिवर है इसके ओरिजिन पे डिफ्रेंसेज आते हैं इंडिया बोलता है कि ये नीचे से ओरिजिन हो रही है नेपाल बोलता है ये टॉप से आ रही है तो ये एरिया भी हमारा हो गया इससे पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर बन रहा है कोल्ड नेबरहुड हुआ देन अग्रेसिव स्टैंड्स हुआ नेपाल का फिर इन तीन को स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है देन नेपाल ने इसे नया मैप बना के अपने अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया और इंडिया ने कहा कि दिस इज़ नॉट टेनेबल फिर रिवर काली का ओरिजिन एंड ऑल और इसमें काफ़ी अच्छे हमने आंसर्स भी लिखे इंडिया नेपाल रिलेशन के चाइना के साथ देखें तो ये जो एल है ये फैंटम है फैंटम मतलब ऑन पेपर है बट ऑन ग्राउंड कभी डीमार्केट नहीं हुआ तो इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज भी वी आर टॉकिंग सिंस में लद्दाख एरिया अरुणाचल मैकमहन लाइन हमने सारी बॉर्डर्स भी देखी इंडिया की उनको गार्डिंग फोर्सेस कौन कौन सी करती है ये भी वी हैव कवर्ड चाइना बहुत एग्रेसिवली एक्ट हो रहा है हम ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं इन प्रोटोकॉल्स का बात किया लेटेस्ट टेंशन हुआ मीनवाइल हमने चाइना की शी जिनपिंग डॉक्टराइन और दिस डेंग जियोपिंग पिंग डॉक्टराइन झाओ इन लाई ये सारी चीज़ें वी डिस्कस्ड डीपली फ्लॉड अग्रीमेंट है ये फैंटम है क्लैरिटी नहीं है एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या वहाँ पे चल रहा है तो इसके लिए क्या होता है जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो अक्सर आमने सामने आ जाती है और ग्राउंड में फिर ये कई बार हीटअप भी हो जाता है दोनों का कन्फनटेशन हो जाता है तो द होल आइडिया समाधान जो हमें यहाँ पे देखना है समाधान केवल एक ही है कि हम इन लाइन्स को प्रॉपरली डीमार्केट करें डिलीनिएट करें ट्रीटीज़ जो हैं उसको इंटरप्रेट करें विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेज जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग थे टाइम ऑफ ट्रीटी के टाइम पे नेपाल ने मीनवाइल ये जो क्लेम किए हैं ये हाईली फ्लॉड है ये फ्लॉड है।, है नेपाल के क्लेम इनकन्सिस्टेंट है रिड्यूस्ड ये इंडिया को स्ट्रांगली इस पर एक्शन लेना चाहिए इंडिया शुड नीड टू रिस्पॉन्ड और ये क्विक होना चाहिए ब्रिंग द वाइट पेपर एंडिंग लाइन यहाँ बहुत अच्छा लिखा है जो सिविलाइजेशन स्टेट्स होते हैं शुड रिलाई ऑन द पावर ऑफ परजुएशन होता है टू सेट द मिस ऐप्रीहेंशन जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करें लेफ़्ट ओवर बाय कोलोनियलिजम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड समिट डिप्लोमेसी आप अगर इंडिया का हम देखें अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे इसे इंडिया की जितने भी टेंशनस हैं आज की डेट में ये सारे इन ब्रिटिशर्स के कारण हुए हैं इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया दैट इज़ वाई बीट पाकिस्तान चाइना नेपाल इवन बांग्लादेश म्यांमार दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोलोनील रूल ये कोलोनियल रूल जो है इसने काफ़ी सारे यहाँ पे लेफ़्ट ओवर दिए बट अब हम इसको सॉल्व करना चाहिए समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए वेरी वेरी गुड आर्टिकल यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ही हैज़ बीन द फॉर्मर यू एन डिप्लोमेट भी रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर भी रहे हैं वेरी वेरी गुड आर्टिकल देन ये जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट प्रमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन लोगों में पीपल में पावर है यूनाइटेड होते हैं काफ़ी लोगों का दिमाग लगता है तो वो चीज रिजल्ट अच्छे आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंट आर्टिकल फोर्टी प्रमोट करें पीपल पावर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन गवर्नमेंट लेड हो पीपल डिसकनेक्टेड स्ट्रेटी हो तो वो वर्क नहीं करती है हमें डिसेंट्रलाइज करना है एंगेज करें स्ट्रेंथ ऑफ अवर कम्युनिटी रिसोर्सेज यूट्यूब सेक्शन कमेंट में यू आर पोस्टिंग स्वच्छ अ ग्रेट कमेंट्स इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऐड हो रहा है वो क्यों हो रहा है बिकॉज वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है किसी एक पर्सन का बस में नहीं है सो मेनी पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट इज़ वाई वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ अवर कम्युनिटी रिसोर्सेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्टरी ग्रुप्स हमें यहाँ पे लेना चाहिए कोविड नाइन्टीन का लोकल बॉडीज़ को हम एंगेज करें इम्प्रूव करें अवेयरनेस माइक्रो सर्वियलांस करें बिकॉज इंडिया इतना बड़ा कंट्री है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वन फिट सॉल्यूशन हो जाए सबके लिए यूनिफाइड सोसाइटी का एफर्ट्स होना चाहिए तो एक नया टर्म यहाँ पे कॉइन किया है इन्होंने दैट इज़ पीपल पार्टनर्ड पब्लिक हेल्थ पी 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 मॉडल इन हेल्थ नाउ यहाँ दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव डिस्कस्ड इन बिफोर हमने इन्हें देखा है आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी केंद्र इनकी बहुत यूटिलिटी होती है जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है डिस्कस देयर यूटिलिटी इन बैटलिंग विद कोविड नाइन्टीन इसको आप ट्राई करिए सॉल्व आंसर करने का आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्र यूटिलिटी इन बैटलिंग विद कोविड नाइन्टीन देन यहाँ भी बहुत अच्छा बात है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस ट्रांसपेरेंसी भी अप्रोच होना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ये जो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड आया इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया कि अगर आप कोविड नाइन्टीन से फाइट में कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो यू कॉन्ट्रीब्यूट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस फंड काफ़ी लोगों ने वॉल्टरी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे उसको क्लियर करना चाहिए सारे डाउट्स फाइट विद कोरोना तो ये वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशल यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना ज़रूरी है ट्रांसपेरेंट वे में वर्क करना ज़रूरी है गुडविल और वॉल्टरी कॉन्ट्रीब्यूशन हुए लोगों ने अपने तरफ से यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश किया कोविड नाइन्टीन सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सब वॉलेंटरी गुडविल में यहाँ हेल्प करना चाहते हैं बट वो ये भी चाहते हैं कि उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी सेट हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नेसेसरी है गुड गवर्नेंस के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी फाइन डिटेल्स आउट नहीं है सो विल नॉट पास ऑन एनी जजमेंट बट इट इज़ क्रिटिकल टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ओपननेस टू एम्पावर पीपल टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली लोगों का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ बिहाइंड द क्लोक ऑफ सीक्रेसी दैट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एब्रोगेटेड जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है क्लास टेंथ बुक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इससे एब्रोगेशन करप्शन थ्राइव पब्लिक ट्रस्ट ये सारे एरोड होते हैं जब ये चीज़ मिस आउट होती है तो देन दिस इज स्प्रेडिंग सुपर स्प्रेडिंग फर्दर देन यहाँ पर एक पार्लियामेंट कमेटी बनाने की बात है वो एम पी पैनल जो होगा वो देखेगा आरोग्य सेतु ऐप को आरोग्य सेतु ऐप भी काफ़ी नोबल ऐप है इससे कोविड नाइन्टीन से लड़ने में हेल्प होता है ईजी ऑन बोर्डिंग है प्रीसीजन ट्रैकिंग हो जाएगा इस ऐप से ये आपको ईजी इन्फॉर्मेशन डिसामिनेशन भी है और कोविड नाइन्टीन का जो थ्रेट है उसके आसपास पेशेंट्स एंड ऑल आप मैप के थ्रू इसमें पता लग जाता है तो विच इज़ गुड द पॉइंट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल यूज़र डेटा कलेक्ट कर रहा है और इस टाइप की चीज़ में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है जैसे आधार था उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बैक हुआ एक आधार एक्ट आया ये हमने थर्ड ऑफ मे को डिस्कस किया था प्राइवेसी का एक सवाल उठ रहे थे ऑल दो गवर्नमेंट ने बाद में इसका सोर्स कोड रिलीज कर दिया और काफ़ी सारे क्लैरिफिकेसन दिए बट स्टिल यहाँ पे पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी होती है हम देखते हैं ना एग्जीक्यूटिव होता है एक लजिस्लेटिव होता है और एक जुडिशरी होता है एग्जीक्यूटिव मतलब जिन्होंने सरकार बनाई है जिन्होंने सरकार बनाई है सत्ता में है केंद्र में है उनकी जिम्मेदारी होती है लजिस्लेटिव में स्पेशली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल ते हैं तो ये एक पैनल बनेगा ये जो पैनल है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है आई में ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इसको पूरा डिस्कस कर रही है दिस इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अकाउंटेबल प्रोएक्टिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये हमें इंश्योर करना है इससे हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होता है सो दिस इज पेज नंबर टेन देन ये पेज नंबर इलेवन है यहां बात है कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर में फ्रंट पेज में एक न्यूज़ था बिग स्क्रीन सेट टू री ओपन इन श्रीनगर वापस यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा एंड हॉल्स ये सारे ओपन हो रहे हैं आफ्टर थ्री डेकेड्स टूरिज्म सेक्टर मीनवाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसका ओवरहॉल करना ज़रूरी है इससे क्या होगा जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे वेल्थ आएगी कश्मीर आर्ट जो है ये अभी ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको वर्चुअल फेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विविंग आर्ट कारपेट हैंडलूम इन सब में टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज से इससे क्या होगा अगर ये जैसे होम मेड प्रोडक्ट है ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे बनाए हैं प्रोडक्ट्स इसको ये प्रॉपर मार्केट डिस्कवरी कर सकते हैं प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं एक्सपोर्ट इज़ पॉसिबल और इससे फॉरन एक्सचेंज भी जनरेट होता है तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन कारपेट जो सेलर्स हैं यहाँ के उन्होंने बताया है ये बहुत अच्छा आइडिया है मार्केट डिस्कवरी और बेटर प्राइस डिस्कवरी का इकोनॉमिक स्लम्प है चैलेंजेस आएँ बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम जी आई टैग की बात करें तो वो अभी रिसेंटली हमने कपल ऑफ डेज वीक्स बैक देखा सेफ्रॉन को जी आई टैग मिला पश्मीना को जी आई टैग है हैंड नोटेड जो कारपेट होता है इसको जी आई टैग है पेपियर मैश है इसको जी आई टैग है एंड देन वॉलनट वुड कार्विंग ये भी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में इधर जी आई टैग इन सबको मिला है नाउ लेटेस्ट कंपाइलर लिस्ट आपके स्टेट में किन सब चीज़ों को जी आई टैग मिला है लेटेस्ट ट्राई टू फाइंड आउट लेट्स मेक अ लिस्ट जी आई टैग फ्रॉम योर स्टेट जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं ऐसे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल गुजरात तमिलनाडु एंड ऑल डिफरेंट स्टेट्स में जी आई टैग है जी आई टैग से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इस किस को अभी रिसेंटली जी आई टैग मिला है एंड ऑल ओके सो दिस इज़ अबाउट जी आई टैग ये कल एप्पल का रिलीज़ हुआ था दिस कॉन्फ्रेंस था अब की बार फिज़िकल नहीं हुआ तो ऑनलाइन हुआ था इन्होंने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स किए नाउ सी डिज़ाइन लैंग्वेज देखिए एप्पल द सिंपलिसिटी पैराडाइम ये जो पूरा ओवरऑल हुआ है आईओएस का एंड ऑल दे आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस सिंप्लिसिटी अभी पूरा जो वर्ल्ड का जिस तरीके आगे बढ़ रहा है ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है एक हो रही है सिम्प्लिसिटी दूसरा है मिनिमलिस्ट जो चीज़ पूछा है सीधा हिट द बुल्स है उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को ये काफ़ी ऐसा जो डिज़ाइन पैराडाइम्स है यहाँ पे सिम्पलिसिटी की तरह अप्रोच हो रहा है इवन जो गूगल भी ट्राई करता है ना इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो यू की हम बनाते हैं यू डिज़ाइन लैंग्वेजेस ये मिनिमलिस्ट ज़्यादा है यहाँ पे देन दिस इज़ वर्ड न्यूज़ वर्ड न्यूज़ में आर्ट दैट हिल्स है दिस इज़ वर्ड न्यूज़ यहाँ जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ब्राज़ील ब्राज़ील में कोविड नाइन्टीन के नंबर फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा टोल हो गया है डेथ हो चुका है यहाँ पे यूरोप ग्रेजुअली रिटर्निंग टू लाइफ है चाइना मीन वाइल ज्वाइन कर रहा है यू एन आर्म्स ट्रीटी यू एन आर्म्स ट्रीटी जो है ये ग्लोबल पैक्ट है टू रेगुलेट आर्मी ट्रीटी आर्म्स एंड आर्म इन सब का कि ये जो हथियार होते हैं वेपन्स होते हैं इनका फ्लो कॉन्फ्लिक्ट जोन पे हम कैसे कंट्रोल करें इसके लिए ये आती है आर्म स्ट्रीटी चाइना इसको जॉइन कर रहा है मीन वाइल यू एस यहाँ से प्लान कर रहा है पुल आउट करने का चाइना मीनवाइल बोल रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं मल्टी चाइना अभी काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल मोड पे है बिकॉज वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं साउथ कोरिया सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 का थ्रेट है यहाँ पे जापान चाइना का जापान के साथ भी टेंशनस है जापान ने रीनेम किया है आइलैंड डिस्प्यूटेड विद चाइना जापान ने किया है टोक्यो सेनकाकू दोनों शिरो सेनकाकू बोलता है बीजिंग एंड ताइवान उसको बोलते हैं डिया यू आइलैंड सो दिस इज़ बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ ये बिज़नेस न्यूज़ है बिज़नेस न्यूज़ में एक्सपोर्ट इम्प्रूव करने की बात है फोकस ग्रोथ होगा नॉट हैंड आउट हैंड आउट इज़ नॉट राइट थिंग हमें ग्रोथ करने पर ज़्यादा होना चाहिए रिलीफ इज़ गुड बट वी नीड टू मेक दैम सस्टेनेबल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है चाइना जो है ये रिड्यूस कर सकते हैं हम इसके साथ ट्रेड डेफिसिट गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है करीब एट पॉइंट फोर बिलियन का डेफिसिट हम क्विकली कम कर सकते हैं जापान के साथ ये बहुत अच्छा न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट आईटीसी आईटीसी एग्री रोल्स आउट मोर कोलेबोरेटिव ई चौपाल ये काफ़ी फेमस है ई चौपाल ई चौपाल के अभी ट्वेंटी एथ ईयर हो रहे हैं लॉन्च ऑफ आईटीसी एग्री तो ई चौपाल फोर पॉइंट ओ वर्जन है ये ज़्यादा कोलेबोरेटिव होगा इंटीग्रेटेड होगा इससे क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इन्फॉमेशन एंड दिस एडवाइजरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे सर्विसेज देंगे फार्मर को वेदर मार्केट रियल टाइम बेसिस पे और इंफॉर्मेशन नॉलेज इज़ पावर अगर सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सही इनपुट होता है और उससे रिजल्ट भी बेटर आते हैं तो यहाँ ये रैपिड क्वालिटी टेस्टिंग की बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो ई चौपाल है वो क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा क्रॉप एडवाइजरी में इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग प्लेस देगा फार्म पे इनपुट देगा एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एट द सेम टाइम ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको भी सपोर्ट करेगा फार्मर सेंट्रिक रहेगा फार्म ड्रिवन अप्रोच रहेगा प्लग एंड प्ले मॉडल है सो so इससे स्टार्टअप्स भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उनको काफ़ी बेनिफिट होना चाहिए ई चौपाल फोर पॉइंट ओ आई टी सी आई टी सी का क्या कोई फुल फॉर्म होता है देन दिस इज एग्जॉटिक मका स्ट्रगलिंग ये क्या होते हैं ये ऐसे पैरेट टाइप होते हैं ये कलरफुल होते हैं पैरेट्स हैं ये एवी कल्चर हैं इनका स्मगलिंग हो रहा है तो ये स्मगलिंग अभी बस्टेड वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग सिंडिकेट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा पकड़ में आया है इनका जो स्मगलिंग होता है उसका एक और थ्रेट है वो थ्रेट है जूनोटिक डिसीजेज़ जूनोटिक डिसजेज़ क्या होती हैं जो एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे स्वाइन फ्लू इवन कोरोना वायरस इसके लिए एक बॉडी है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा फोना मतलब दीज वाइल्ड एनिमल्स फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ये वल्नरेबल है बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का एरिया बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है प्लस यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश आ जाता है म्यांमार है फिर इधर थाईलैंड भी आ जाता है तो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये यह यहाँ पे हाईलाइट किया है नाउ मिसलिनियस न्यूज़ में वी टॉक अबाउट ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है ओलंपिक्स ये ओलंपिक्स अभी टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे बट बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन अभी ये पोस्टपोन हो गए हैं ओलंपिक्स में ये रिंग्स होती हैं इन रिंग्स का एक सिग्निफिकेंस है टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिंग्स ये पांच रिंग है ना इनका एक सिग्निफिकेंस है ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून वर्ल्ड ओलंपिक्स डे ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून यू एन पब्लिक सर्विसिज़ डे भी है दो हज़ार दो से बना रहे हैं पब्लिक सर्विसेज मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी देन दिस इज़ वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे रेन फॉरेस्ट डे रेन फॉरेस्ट भी जोग्राफी में हमने बहुत अच्छे से देखा क्लाइमेट एंड दिस वेजिटेशन ये जो इक्वेटर है यूजुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भी गिरता है और बिकॉज ऑफ दिस हायर इंसोलेशन हायर रेनफॉल यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे जैसे अमेजन का रेन फॉरेस्ट हो गया इंडोनेशिया इधर रेन फॉरेस्ट भी हैं तो दीज आर रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ट्विटर में अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल यू एन डी पी ने यहाँ पर एक वीडियो एक शेयर किया है इन्फोग्राफिक uh, वीडियो है दैट्स वेरी नाइस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी किसे कहा जाता है ये तो लैंड पे है बट सी का रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं बताइए देन यू एस ने मीन वाइल इमिग्रेशन लॉ चेंज हो रहा है एच वन बी वीज़ाज हैं वो ईयर एंड तक उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं इस पर भी काफ़ी डिवाइडेड है सम पीपल आर सेंग ये बैकफायर होगा वाई बिकॉज इमिग्रेंट्स जो हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री जहाँ ये मूव करते हैं और इन दिस एग्जाम्पल यू एस ए दैन दिस इज़ केमिस्ट्री क्विज पहला सवाल है सोप सोप मतलब क्या होता है साबुन इसका कंपोजिशन क्या होता है बताइए ये सोडियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड है पोटेशियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड है बोथ या सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट मिक्सड विथ केमिकल वॉट इज द राइट आंसर बायो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बायो भी है और केमिकल भी है ये स्किन ट्रीटमेंट्स में यूज़ होते हैं फूड प्रज़र्वेटिवज़्ज़ में यूज़ होते हैं कुकिंग ऑयल्स में यूज़ होते हैं अक्सर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ए बी सी ऑल ऑफ द अबॉब तो वॉट इज़ द राइट आंसर लेमन लेमन मतलब क्या होता है नींबू ये काफ़ी ज़्यादा इससे इम्यूनिटी एंड ऑल में हेल्प होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वन टू थ्री और फोर इट देन बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ जो होती है उसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं हम कंडीशनिंग करते हैं रिमूवल करते हैं इंप्योरिटी तो बायोलॉजिकल इंप्योरिटी जो होती है अक्सर स्लज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये पढ़ते हैं हम सेडिमेंटेशन बॉइलिंग स्टरिलाइजेशन और डिस्टिलेशन इनमें से क्या यूज़ करेंगे मेथड हम बायोलॉजिकल इंप्योरिटी को दूर करने के लिए देन रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी क्यूरी हैनरी बैकरल और रदर फूड तो ये पाँच क्वेश्चन है आई फोगॉट टू नंबर इट सो so, यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट दिस इज़ सेकेंड दिस इज़ थर्ड दिस इज़ फोर्थ एंड दिस इज दिस इज फिफ्थ ओके वन टू थ्री फोर एंड फाइव टेल द राइट आंसर ओके सो टुडे वी डिसकसड अबाउट टुडे वी डिसकसड अबाउट दिस क्विज दैन मिसलेनियस सेक्शन इंटरनेशनल ओलम्पिक डे वर्ल्ड सर्विस डे रेन फॉरेस्ट डे दैन एक्जॉटिक बका और फिर हमने पढ़ा ई चौपाल बिजनेस सेक्शन वर्ल्ड न्यूज़ जी आई टैक्स बताइए लेट्स मेक अ लिस्ट स्टेट वाइज टूरिज्म सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन आई टी ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस पी एम केयर फंड देन पीपल पावर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन ओके देन वे आउट ऑफ अनडिलिमिनेटेड बॉर्डर विजिलेंस पैरामाउंट है पूरी जगन्नाथ यात्रा कंडीशनल नोट मिला है एंड देन फाइनर डिटेलिंग मोन्यूमेंटल हरी कोविड नाइन्टीन अपडेट्स India China LSE or A vocabulary and this is 23rd of June 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.